हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो वर्ड को अपन ओपन करेंगे तो उसका ब्लैंक पेज ओपन होना चाहिए। तो ब्लैंक पेज ओपन नहीं होता और इस टाइप से इसका टेबल वगैरह बना हुआ आता है, ग्रिड लाइन जैसा ओपन किया हुआ है तो वो ही ओपन होता है। ब्लैंक पेज इसका ओपन नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, देखो मैंने अभी न्यू पेज में ब्लैंक पेज ओपन करूँगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट ये इस टाइप से ही आ रहा है, ये टूल बार की ओपन होता है डायरेक्ट, ये ब्लैंक पेज ओपन नहीं होता है मेरा। तो इसका ये एक अंदर ही सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। ये मैं ब्लैंक पेज ही ओपन कर रहा हूँ न्यू इसका, मगर ये स्टेप से ही आ रहा है। ये इसका अंदर से ही इनेबल किया हुआ है फाइल, वो कुछ इनेबल हो गया। मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन भी फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो फ्रेंड्स, का अच्छा सा सॉल्यूशन है अपने पास फ्रेंड्स। उसके लिए ब्लैंक पेज ओपन करो फ्रेंड्स। ये ऊपर जो टूल बार दिख रहा है आपको, उसके अंदर आपको दिखेगा व्यू, व्यू को क्लिक करो फ्रेंड्स। और इसके बाद ये देखो मेरा स्क्रोलर जो घूम रहा है ग्रिड लाइन, वो टिक किया हुआ है तो उसको अनटिक कर देना है आपको फ्रेंड्स। जो इनेबल किया हुआ है उसको आप डिसेबल कर देना। ये डिसेबल जैसे मैंने किया फ्रेंड्स, देखो ये हट गया पूरा। मैं आपको वापस इसको क्लोज करके फिर से ओपन करके मैं आपको बताता हूँ। आप वर्ड ओपन करो, ये मैंने वर्ड ओपन किया फ्रेंड्स। अब देखो मैं न्यू पेज वापस ओपन कर रहा हूँ। अभी देखो, वाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। देखो फ्रेंड्स, ये ग्रिड लाइन जो था वो हट गया पूरा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर लाइक करना मत भूलना फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स, और आपके दोस्तों को भी पहुंचाना, शेयर करना ये वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।